हेलो फ्रेंड्स, दिस इज यस, वेलकम टू फनी जीके ट्रिक्स। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ रहे हैं बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में। फ्रेंड्स, ये हर एग्जाम में इससे रिलेटिव जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो फ्रेंड्स इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। और आजकल जो प्रश्न आ रहे हैं थोड़े से एडवांस लेवल के आ रहे हैं, तो हम लोग इसको अच्छे से डिटेल में पढ़ने वाले हैं। आपका सारे कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर हो जाएंगे, प्लस कुछ ट्रिक भी लेकर चलेंगे जिससे आपको 18 बायोस्फीयर रिजर्व है वो आसानी से याद हो जाए। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले समझ लेते हैं कि बायोस्फीयर होता क्या है, यानी कि जीवमंडल क्या है। फ्रेंड्स, आपने सुना होगा स्थलमंडल और हमारा जलमंडल और वायुमंडल। फ्रेंड्स, इन तीनों का जो कॉम्बिनेशन होता है उसे हम लोग बायोस्फीयर कहते हैं। ठीक है, ओके, बस इतना सा आपको समझना था कि बायोस्फीयर क्या है। अब हम लोग समझते हैं कि बायोस्फीयर रिजर्व होता क्या है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग यही देख लेते हैं कि जो बायोस्फीयर रिजर्व है ये आखिर होता क्या है, और ये क्यों बनाए जाते हैं, और ये कहाँ पाए जाते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि हम इंसानों में भी डिफरेंट टाइप की डाइवर्सिटी होती है, डिफरेंट टाइप के रिलीजन है, डिफरेंट टाइप की कास्ट हैं, तो फ्रेंड्स इसी तरह की जो डाइवर्सिटी है वो जानवरों में भी पाई जाती है, और वही हमारे वनस्पतियों में भी पाई जाती है। तो फ्रेंड्स, इन वनस्पति और जीव की जो डाइवर्सिटी है, इसका जो संरक्षण है, संरक्षण प्रदान करने के लिए जो है हम लोग बायोस्फीयर रिजर्व बनाते हैं। यही बायोस्फीयर रिजर्व में जो है इनका कंजर्वेशन किया जाता है, जैसा कि लिखा है, कंजर्वेशन ऑफ डाइवर्सिटी फ्लोरा एंड फौना। फ्लोरा क्या होता है? फ्लोरा होता है हमारा वनस्पति, और जो फौना होता है वहाँ पर रहने वाले जीव होते हैं। ठीक है, तो जहाँ पर जीव और वनस्पति की अधिकता पाई जाएगी, यानी कि उनकी डाइवर्सिटी पाई जाएगी, वहाँ पर जो है बायोस्फीयर रिजर्व होगा। तो इतना आपका क्लियर। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि इसके कितने पार्ट्स होते हैं, कितने भाग में इसको बांटा गया है। फ्रेंड्स, जो बायोस्फीयर रिजर्व है हम लोग इसको तीन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जो आपको बड़ा सर्कल दिख रहा है ये हमारा पूरा बायोस्फीयर रिजर्व, इसी के अंदर जो है दो भाग और होते हैं, जिसको हम लोग बफर जोन कहते हैं और कोर जोन कहते हैं। तो सबसे बीच वाला जो भाग होता है वो कहता है कोर जोन कहलाता है हमारा। ठीक है, ये आप ध्यान रख लेना, इसको एक बार कॉपी में बना लेना, आपको अच्छे से ये याद हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, जो कोर जोन होता है उसमें जो है सिर्फ मॉनिटरिंग की जा सकती है। यहाँ पर जो है नियम रहते हैं काफ़ी सख्त रहते हैं, यहाँ पर सिर्फ ये है निगरानी वाले क्षेत्र हैं, यहाँ पर जो है एकदम रिच डाइवर्सिटी पाई जाती है एनिमल और प्लांट की। ठीक है, चलिए जो अगला एरिया जो आता है वो हमारा बफर जोन कहलाता है। बफर जोन में हम लोग एनवायरनमेंट रिसर्च कर सकते हैं, रिक्रिएशन कर सकते हैं, टूरिज्म कर सकते हैं और एजुकेशन कर सकते हैं। देन इसके बाद जो अगला पार्ट आता है हमारा, वो आता है हमारा ट्रांजिशन जोन। ट्रांजिशन को हम लोग इंग्लिश में संक्रमण भी कहते हैं, संक्रमित क्षेत्र। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, हम लोग रिक्रिएशन भी कर सकते हैं, टूरिज्म भी कर सकते हैं, एजुकेशन, फार्मिंग, फिशरीज और नॉन गवर्नमेंट जो एक्टिविटी हैं वो हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं, और यहाँ पर हम लोग बस भी सकते हैं, सेटलमेंट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अधिकतर जो क्या होता है, हम लोग यहाँ पर जो ट्राइबल है, ट्राइबल हमको ये जो बफर जोन में भी देखने को मिल जाती हैं, और आप तो जानते हैं जो ट्राइबल है, जनजाति लोग हैं, वो तो जंगली क्षेत्र में ही रहते हैं अधिकतर, तो ये आप ध्यान रखना। ठीक है, और फ्रेंड्स मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, ये जो बायोस्फीयर रिजर्व है, बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर नेशनल पार्क भी आ सकते हैं और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी आ सकती हैं। ठीक है, और जो अधिकतर नेशनल पार्क है जो आपको इसके कोर जोन में ही देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इतना आप ध्यान रखना, जो बायोस्फीयर रिजर्व है उसके अंदर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी आ सकती है और नेशनल पार्क भी आ सकता है। नेशनल पार्क की मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है, आप वहाँ से जाके वो भी देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये आपको अच्छे आसानी से समझ में आएगा, इसको आप एक बार कॉपी में उतार लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और एक एक करके पहले सबसे पहले मैप में देख लेते हैं कि ये कहाँ कहाँ बायोस्फीयर रिजर्व है। उससे पहले मैप पे देखने से पहले हम लोग ये स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, अब हम इसको वर्ल्ड लेवल पे देख लेते हैं कि इसकी शुरुआत कब से हुई और इसके लिए कौन कौन से प्रोग्राम है। फ्रेंड्स, सन 1971 में यूनेस्को द्वारा एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया जिसे हम लोग मैप प्रोग्राम कहते हैं। फुल फॉर्म इसका क्या है, मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम। ओके, रिजर्व नहीं, बायोस्फीयर, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम। फ्रेंड्स, ये क्या करता है, इसका एम है रिलेशनशिप स्थापित करना, यानी कि संबंध स्थापित करना पीपल और उसके एनवायरनमेंट के बीच में। ठीक है, ये इसका मेन एम है, वो भी साइंटिफिक बेसिस पर। ठीक है, बस अब इतना याद रखना। अब हम लोग अगला देख लेते हैं, यूनेस्को का एक और प्रोग्राम है वो है WNBR। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इसका वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, इसका काम भी बिल्कुल मैप प्रोग्राम जैसा ही है, इसका काम भी वही रिलेशनशिप स्थापित करना है, इस्टेब्लिश करना है पीपल और उसके नेचर के बीच में, और ये इनकरेज है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है हमारे, उससे वो जो गोल है 15, गोल 15 से क्या है ये हमारा इनकरेज है। ठीक है, ये आप ध्यान रखना, ये मैं आपको गोल दिखा देता हूँ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। इसके भी हम लोग किसी दिन ट्रिक बना के अच्छे से वीडियो, अलग से वीडियो बना दूंगा, तो आप टेंशन ना लीजिएगा। इसका जो गोल आपको 15 दिख रहा है, लाइफ ऑन लैंड, इससे जो है वो इनकरेज है। ठीक है, ये आप ध्यान रखना। चलिए वापस आते हैं। फ्रेंड्स, आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ गई हमको, ये प्रोग्राम की जरूरत क्या पड़ गई। अच्छा खासा तो सब कुछ चल रहा था, लेकिन फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, आजकल जो है ह्यूमन का इंटरफेरेंस एनवायरनमेंट में ज्यादा होने लगा है। आप सब लोग देखते हैं कि टॉप 20 में से टॉप 15 कंट्री पॉल्यूटेड कंट्री हमारे इंडिया की है, तो ये क्या हो रहा है,
ये इन्वायरमेंट की खराबी के कारण हो रहा है, इसमें जो है इंटरफेस हो रहा है हमारे मानव का, हमारे खुद का, जिसके कारण जो है आज ये हालत हो रही है। हमको एक अच्छे से पानी भी नहीं मिल पा रहा है पीने के लिए। और फ्रेंड्स, जैसे कि हम लोग देखते हैं कि माइनिंग ज़्यादा होने लगी है, और जैसे कि अंडरग्राउंड वाटर में बोरवेल ज़्यादा होने लगी है, जिससे क्या हो रहा है, हमारा इन्वायरमेंट भी प्रभावित हो रहा है। और साथ ही साथ जो है इन प्रदूषण के कारण आप देखते हैं कि लेक्स में जानवर भी सही से रह नहीं पा रहे हैं। क्या हो रहा है, ये पूरा से नेचर और ह्यूमन के बीच में क्या हो रहा है, इनबैलेंस हो गया है। और जो आज के समय में जो ह्यूमन है वो इन्वायरमेंट पे भारी होते जा रहा है, जैसे कि आप ये डायग्राम में देख सकते हैं, ये जो है इन्वायरमेंट पे भारी होते जा रहा है। इसके कुछ पॉजिटिव भी पॉइंट भी है और नेगेटिव भी पॉइंट है। तो इन दोनों के बीच में जो है इन्वायरमेंट ह्यूमन के बीच में एक हारमोनी स्थापित करने के लिए ये जो है प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, ठीक है। तो आप बस इतना सा ध्यान रखना, ह्यूमन और इन्वायरमेंट के बीच में जो हारमोनी है, सामंजस्य है, सामंजस्य स्थापित करने के लिए ये प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, ठीक है। तो बस आप इतना सा ध्यान रखना। चलिए अब हम लोग आगे। फ्रेंड्स, अगर विश्व में देखें तो टोटल 686 जो है वो बायोस्फीयर रिजर्व है 122 कंट्री में, जिसमें से 20 जो है ट्रांसबाउंड्री साइट है। अगर करेंट का देखें, अभी कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व बना है, तो म्यांमार में एक बायोस्फीयर रिजर्व बना है, जो फर्स्ट म्यांमार का फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व है वो 2015 में बनाया गया था, ठीक है। अगर ऑल ओवर वर्ल्ड में देखें तो जो अफ्रीकन स्टेट है उसमें 79 जो है बायोस्फीयर रिजर्व है 28 कंट्री में, और अरब स्टेट में देखें हम लोग तो 33 है, और 12 जो कंट्री है उसमें, और अगर हम देखें एशिया और द पैसिफिक रीजन जो है हमारा उसमें 152 है, और कितने कंट्रियों में, 24 कंट्री में। यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में देखें तो सबसे ज़्यादा यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में जो है बायोस्फीयर रिजर्व है वो है 292, ठीक है, 37 कंट्री में। इसके बाद जो लैटिन अमेरिकन और द कैरिबियन जो में है वो 130 है। तो ये आंकड़े आप ध्यान रखना, ये कम ही पूछेगा, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो किस किस एरिया में है, ठीक है। और ये सब यूनेस्को के रीजन में रीजन कहलाते हैं, ठीक, इतना सा आप ध्यान रखना। चलिए अब हम लोग, तो फ्रेंड्स अब हम लोग मैप में देख लेते हैं, और थोड़ा सा ट्रिक भी बताते जाऊंगा मैं आपको कि कहाँ पर कैसे बायोस्फीयर रिजर्व हैं और इनको किस तरीके से याद करने हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम लोग नॉर्थ से स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हमारा आता है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में जो हमारा बायोस्फीयर रिजर्व है वो एक कोल्ड डिजर्ट, ठीक है। अब इसको हम लोग याद कैसे करें, फ्रेंड्स हिमाचल में एक शब्द छुपा है हिम। हिमाचल में कौन सा शब्द छुपा है, हिम, और हिम का मतलब क्या होता है, बर्फ, और बर्फ क्या होती है, ठंडी होती है, कोल्ड होती है, तो कोल्ड से हो गया कोल्ड डिजर्ट, ऐसे आप लोग याद कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग आते हैं उत्तराखंड में, ठीक है। उत्तराखंड में जो है वो नंदा देवी जो बायोस्फीयर रिजर्व है, आप लोग जानते हैं कि जो नंदा देवी है वो एक नेशनल पार्क भी है, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। फ्रेंड्स अब इसको याद कैसे करें, फ्रेंड्स आप सब लोग जानते हैं कृष्ण भगवान के जो पिताजी थे उनका नाम क्या था, नंद बाबा। तो अचानक क्या हुआ करता था, जब कृष्ण भगवान मस्ती करते थे तो वो क्या करते थे, पेड़ पे चढ़ जाते थे, ठीक है। अब क्या करते थे, नंद बाबा और जो उनकी देवी थी वो बार बार कृष्ण को मनाते थे, बेटा उतर जा उतर जा, तो बोलते थे ना बेटा उतरा उतरा नीचे उतरा, तो उतरा से हो गया था उत्तराखंड। और जो नंदा बाबा और देवी, नंदा बाबा और देवी से आप याद कर सकते हो नंदा देवी, ठीक है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। चलिए आगे देखते हैं हम लोग जो है हमारा सिक्किम। सिक्किम का जो है वो कंचनजंगा, कंचनजंगा एक नेशनल पार्क भी है और ये बायोस्फीयर रिजर्व भी है। और मैं आपको ये बता दूं, हमारे देश की जो हाईएस्ट पीक है, हाईएस्ट चोटी है, वो कंचनजंगा है। पहले केटूगढ़ में नोस्टिन थी जो कि जम्मू कश्मीर में थी, लेकिन अब वो पाक अधिकृत कश्मीर के, पाक अधिकृत जो हमारा एरिया है जम्मू कश्मीर का उसमें आती है, इसलिए केटूगढ़ में नोस्टिन जो है वो हमारी हाईएस्ट पीक नहीं है, अब हमारी हाईएस्ट पीक जो है वो कंचनजंगा है। तो आप ये ध्यान रखना, ये सिक्किम में है, ठीक, इसको याद करवाने की जरूरत नहीं है, आप सभी को आसानी से याद रही होगी। चलिए अब फ्रेंड्स अगला बायोस्फीयर रिजर्व है हमारा दिहांग देवांग। फ्रेंड्स आप सब लोग जानते हैं कि जो दिवांग नदी है वो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, ब्रह्मपुत्र की एक ट्रिब्यूटरी है। तो आप इसको इस लॉजिक से याद रखिए कि ब्रह्म दिहांग जो एक रिवर है और इसी रिवर के नाम पर जो है हमारा बायोस्फीयर रिजर्व है जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। ये किसकी सहायक नदी है, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, ठीक है। कुछ कुछ में आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा और कुछ कुछ में आपको सीधे से याद करवा दूंगा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं असम में। असम में कौन सा है, मानस बायोस्फीयर रिजर्व और डिब्रू शेखोवा, ठीक है, डिब्रू शेखोवा। तो फ्रेंड्स इसको कैसे याद करें, फ्रेंड्स एक मनुष्य था, ठीक है, सुनते आना, एक मनुष्य था जिसका नाम था डिब्रू, ठीक है। वो खोवा बेचता था, क्या करता था, खोवा बेचता था। तो एक दिन मैं उसके दुकान पर गया खोवा खाने के लिए, मैंने खोवा लिया और खाया, और सच्ची बताऊं एकदम औसम लगा उसका टेस्ट,
कैसा लगा? एकदम औसम लगा। तो फ्रेंड्स यही हमारी ट्रिक है कि जो मानस था, मनुष्य था, मनुष्य से मानस हो गया, ठीक है, मनुष्य को हम लोग मानस भी कहते हैं, और उसका नाम क्या था, डिब्रू था, और वो किस शॉप में काम करता था, क्या काम करता था, वो खोवा बनाता था, ठीक है, वो खोवा आपको मालूम है टेस्टी मिठाई बनती है उससे, तो वो जब मैंने खाया तो कैसा लगा, औसम लगा, औसम से हो गया हमारा आसाम, ठीक है, ये आपको याद रहेगा, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। चलिए अगला जो हमारा आता है वो मेघालय में, जो कि नोकरे के बायस पे रिजर्व है, ठीक है, तो इसकी ट्रिक भी इंटरेस्टिंग है। फ्रेंड्स मेरी एक फ्रेंड थी जिसका नाम था मेघा, क्या नाम था, मेघा। तो फ्रेंड्स वो जो मेघा थी उसको एक नौकर की जरूरत थी, ठीक है, तो मैंने उसको एक नौकर दे दिया, मतलब नौकर दे दिया उसको एक, ठीक, तो इसी में ही आपकी ट्रिक है, मेघा से हो गया मेघालय और उसके पास नौकर था, कितना था, एक, तो नौकर एक से हो गया नौकर एक, ठीक है, आपको ऐसा याद हो जाएगा, ठीक है, कोई भी डिफिकल्टी नहीं होगी, बहुत ही आसानी तरीके से। चलिए आगे हम लोग देखते हैं जो हमारा जो सुंदरवन है, सुंदरवन मेरे को आई होप मुझे लगता है कि आपको याद करवाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सबको मालूम ही रहता है सुंदरवन कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल में है, जो कि आधा भाग हमारा बांग्लादेश में भी है, ठीक है, यह भी आप ध्यान रखना। सुंदरवन जो है ये हमारा नेशनल पार्क भी है, ये हमारे रामसर वेटलैंड में भी है, ये यूनेस्को में भी है, ये सब कुछ है समझ लो, है ना। और सुंदरवन इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पे सुंदरी नाम के जो वृक्ष हैं वो पाए जाते हैं, जिसके कारण इसका जो है सुंदरवन नाम पड़ा है, ठीक है, आप इतना ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा आता है सिमलीपाल, इसकी ट्रिक भी इंटरेस्टिंग है। फ्रेंड्स एक्चुअली हुआ क्या, मैंने जब दुकान से एक नई सिम ली थी, पता है मैंने एक दुकान से एक सिम ली थी, वो सिम ली और सिम क्या हुआ, लेते ही वो सिम क्या करनी, अचानक उड़ने लगी, मैंने सिम ली और वो अचानक उड़ने लगी, ठीक है, बस इतना सा था और कुछ नहीं है। तो मैंने सिमली थी तो सिमली से हो गया सिमलीपाल और वो उड़ने लगी, उड़ गई तो उड़ी से हो गया उड़ीसा, ठीक है, बस आप इतना ध्यान रखना, आई होप आपको याद हो गया होगा। चलिए अब हम लोग, तो फ्रेंड्स अब हम लोग जो बात कर लेते हैं एमपी के बायोस्फीयर रिजर्व, इसकी ट्रिक भी बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनना। फ्रेंड्स हुआ क्या था, एक दिन मैं क्लास में बैठा हुआ था तो मैडम मुझे पढ़ा रही थी, मैडम एक्चुअली पढ़ा नहीं रही थी, वो दूसरे पन्ने पलटा रही थी, तो क्या हुआ, अब सिर्फ पन्ने पलटा रही थी तो अपन लोग को तो क्या करते हैं इस समय में, मस्ती करते हैं, तो मैं मस्ती कर रहा था, तो अचानक क्या हुआ, मैडम अचानक आई और मुझे पंच मारी, तो मैडम अचानक आई मुझे पंच मारी, तो आप समझ गए होंगे कि पन्ना से पढ़ना पलटा रही थी तो पन्ना बायस पे रिजर्व हो गया, और अचानक मारा था तो अचानक मार से अचानक मार जो है बायस पे रिजर्व, जो कि एमपी और छत्तीसगढ़ दोनों में आता है, ठीक है, आप ध्यान रखना, छत्तीसगढ़ का बिलासपुर जिला है ये, आप ध्यान रखना, ठीक है। अभी हम लोग सिर्फ जो है ना टेम्पर इसका टेम्परेरी पढ़ रहे हैं, हम कहाँ पर इसकी लोकेशन है वो देख रहे हैं, और थोड़ा सा मैं ट्रिक लॉजिक बता रहा हूँ, अभी हम लोग इसको डिटेल में स्टडी करेंगे, वहाँ कौन कौन सी स्पीसीज पाई जाती हैं और कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में ये पाए जाते हैं, क्या क्या लोकेशन है, क्या उनका एरिया है, अभी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो फिलहाल अभी तो हम ये लोकेशन याद कर रहे हैं, थोड़ा सा लॉजिक से ट्रिक से मैं आपको ये याद करवा रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए अब तीन आपको याद रह गया, अचानक उनने क्या करा था, मुझे पंच मारा था, पंच मारी से हो गया था पंचमणि, ठीक है, ये आपको याद रह जाएगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं होगी आपको यहाँ तक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला अब हमारा आता है, हम है आंध्र प्रदेश में, ठीक है, तो आंध्र प्रदेश का जो है वो है शेषाचलम, ठीक है, शेषाचलम, तो इसको कैसे हम लोग याद करें। फ्रेंड्स क्या होता है, जब आईना रहता है अपने पास, शीशा मतलब शेषा है, इसको आप थोड़ी देर के लिए शीशा मान लो, यानी कि आईना, आईने में आईना एकदम से अगर आपके चेहरे में चमकता है तो क्या होती है, आपकी आंखें बंद हो जाती हैं, और आंखें बंद हो जाती हैं तो क्या छा जाता है, अंधेरा, तो अंधेरा से हो गया आंध्र, ठीक है, अंधेरा आंध्र, अंधेरा आंध्र, तो शब्द थोड़ा सा मिल रहा है ना, तो ऐसे आप याद कर सकते हैं, शीशा से शीशा, और जब वो हमारे आंखों में पड़ता है तो हमारी आंखें बंद हो जाती हैं तो क्या छा जाता है, अंधेरा, तो आंध्र से आंध्र प्रदेश, शीशा से शेषाचलम, ठीक है, इतना आपको याद रहेगा, थोड़ा थोड़ा सा लॉजिक आपको देखना पड़ेगा फ्रेंड्स, है ना, बाकी तो आपको लोकेशन अगर एक बार आप इसको कॉपी में लिख के या आपकी कॉपी में इसको ड्रॉ करके इसकी लोकेशन प्रैक्टिस कर लोगे ना तो आपको आसानी से याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे देखते हैं, आगे हमारा नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। फ्रेंड्स जो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है, ये नीलगिरी हिल्स भी यहाँ पर पाई जाती है, और ये जो है हमारे भारत में एक ही एक ऐसा बायोस्फीयर रिजर्व है जिसकी जो सीमा है वो तीन राज्यों में है, पहला कौन सा है, पहला नहीं मतलब कि कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल, ठीक है, इन तीनों का जो मिलने वाला जो एंड पॉइंट है यहीं पर जो है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व पाया जाता है, ठीक है, आप इतना ध्यान रखना। इसके बाद जो अगला हमारा आता है, अभी हम लोग इन सबको डिटेल में भी पढ़ेंगे ना तो आपको बहुत मजा आएगा, आगे भी अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए तो अगला हम लोग देखते हैं, अगला हमारा जो है अगस्त मलाई बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है, इसकी ट्रिक भी इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनना। फ्रेंड्स क्या हुआ था, मेरी एक फ्रेंड थी, है ना, वो केरल और तमिलनाडु के बीच में यहीं पर रहती थी, ठीक है,
तो उसने क्या हुआ, एक कार ली थी। तो मैं तो गया भाई, इतनी बढ़िया कार, तो मैंने उससे बोला कब लाई भैया कार तुमने, तो थोड़ा अपन लोग गांव वाली भाषा में उससे अगर बोलेंगे तो ये बोलेंगे ना कब लाई तुमने कार, तो उस लड़की ने बोली, उस फ्रेंड ने बोली कि मैंने अगस्त में लाई। कब लाई, अगस्त में लाई। तो अगस्त में लाई से अगस्त में ही 22 पे रिजर्व आपको याद आसानी से याद हो जाएगा। चलिए तो ये आपको याद हो गया होगा। अब हम आगे आते हैं, यहीं के नीचे हमारा जो दिखता है गल्फ ऑफ मन्नार, मन्नार की खाड़ी, आपको मालूम है ये श्रीलंका और भारत के बीच में जो है गल्फ मन्नार की खाड़ी जो है वो है ना। और यही क्या है, हमारा एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है, और पूरे इंडिया में सिर्फ यही एक बायोस्फीयर रिजर्व है जो कि मरीन बायोस्फीयर रिजर्व है, ठीक है, ये आप ध्यान रखना। ओके चलिए, तो एक और बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में मैं आपको बता दूं, जो कि अंडमान निकोबार के ठीक नीचे है, ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व जो कि कहां पर है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के जस्ट नीचे है, ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह राज्य में आता है, ये आपको याद हो जाएगा, इसमें तो कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। चलिए तो अब हम लोग इसको, फ्रेंड्स एक बायोस्फीयर रिजर्व और याद रखना, वो है रण ऑफ कच्छ जो कि गुजरात में स्थित है, इसको भी ध्यान रखना, ठीक है। और फ्रेंड्स ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अब हम लोग इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि अब थोड़ा जो एक क्वेश्चन आ रहे हैं वो थोड़ा एडवांस लेवल के आ रहे हैं, इसमें डिस्ट्रिक्ट लेवल तक भी पूछ लिया जाता है कि डिस्ट्रिक्ट में कौन से डिस्ट्रिक्ट वगैरह में है, और यहाँ पर कौन कौन सी स्पीशीज पाई जाती है, और स्पेशली यहाँ पर जो स्पीशीज है कौन सी एंडेंजर्ड स्पीशीज है, कौन सी IUCN की रेड लिस्ट में है, तो थोड़ा हम लोग इसको डिटेल में पढ़ते हैं और एक एक करके हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम लोग बात करते हैं हमारे एक एक करके सारे बायोस्फीयर रिजर्व को पढ़ते हैं, और हम लोग सीक्वेंस वाइज पढ़ेंगे, सबसे पहले कौन सा था, फिर उसके बाद कौन सा था, उसके बाद कौन सा था, तो पूरे लाइन से एक एक करके हम आएंगे। तो सबसे पहले हमारा जो बायोस्फीयर रिजर्व बना था इंडिया में वो 1986 में बना था, और वो था नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। तो इसकी लोकेशन एग्जैक्ट अगर हम लोग देखें तो पार्ट ऑफ वायनाड, नागरहोल, बंदीपुर और मधुमलई, नीलामपुर और साइलेंट वैली, ठीक है, इतने एरिया में जो है लोकेशन इसकी नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व की है। स्टेट कौन कौन से हैं, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, ठीक है, और ये किस टाइप के हैं, ये वेस्टर्न घाट साइड में है, ठीक है। अभी मैं आपको अच्छे से डिटेल में भी इसका मैप दिखाऊंगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो फ्रेंड्स सबसे पहले जो इसकी स्पीशीज है उसको देख लेते हैं। तो इसकी जो नीलगिरी थार है, जो इसकी मेन स्पीसीज है, जो कि आप इसके बायोस्फीयर रिजर्व के नाम पे ही आप उसको याद कर सकते हैं, ठीक है, नीलगिरी थार। ये जो ऊपर वाला दिख रहा है आपको, ये उसकी इमेज है, ये मेल है जो लेफ्ट साइड है, और ये फीमेल है, ठीक है। अब फ्रेंड्स इसको जो है IUCN ने अपनी रेड लिस्ट में एंडेंजर्ड स्पीसीज के रूप में शामिल किया हुआ है, ठीक है, ये आप ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है कि नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में जो नीलगिरी थार है इसको एंडेंजर्ड स्पीसीज में शामिल किया गया है, इंपॉर्टेंट है। और सबसे बड़ा और मैं आपको इसकी बात बताऊं कि इसका जो बायोलॉजिकल नेम है, इसका नहीं बता रहा हूँ, कोई भी अगर जानवर हो, आप देखते हैं कि जो एग्जाम में है ना बायोलॉजिकल नेम या साइंटिफिक नेम जो है अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, या बायोनोमियल नेम अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये आप नाम भी याद रख लेना, और जब कोई भी स्पीशीज अगर एंडेंजर्ड स्पीशीज हो जाती है तो उसका नाम भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, आप ध्यान रखना। तो इसका जो बायोनोमियल नेम है वो है निगिरी ट्रेगस हाइलोक्रिसियस, ठीक है, तो थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन का प्रॉब्लम है, इसको आप देख लेना क्या लिखा हुआ है, ठीक। चलिए तो अगली स्पीशीज के बारे में बात करते हैं, अगला जो है हमारा वो टाइगर है। तो टाइगर का जो हमारा है साइंटिफिक नेम आप याद रख लीजिए, बायोनोमियल नेम वो है पेंथरा टिग्रस, ठीक है, ये आप ध्यान रखना, ठीक है। इसके बाद जो हमारा, मैं इसको थोड़ा सा एक मैप बता देता हूँ आपको फ्रेंड्स, जो हमारा ये जो है आपको ग्रीन ग्रीन एरिया दिख रहा है, ये हमारा पूरा नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है। इसी के अंदर आपको राजीव गांधी नेशनल पार्क भी दिख जाएगा, और बंदीपुर नेशनल पार्क भी दिख जाएगा जो कि टाइगर रिजर्व में शामिल है। यहीं पर आपको साइलेंट वैली नेशनल पार्क भी मिल जाएगा देखने के लिए, ठीक है, ये रहा साइलेंट वैली नेशनल पार्क, ठीक है। तो ये जो है आपको देखते रहना चाहिए, कावेरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो भी यहीं पर है, और भरत वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वो भी यहीं पर है, ठीक है। तो इस लेवल पे हम लोग को देखना है, क्योंकि ये भी पूछ सकता है कि देखिए राजीव गांधी नेशनल पार्क क्या है, और ये साइलेंट वैली किस बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर आता है। और जैसा कि मैं शुरू में ही बात बता चुका हूँ आपको कि एक बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर नेशनल पार्क भी आ सकता है और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी आ सकता है, ठीक है। चलिए तो ये मैप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं हुई होगी। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगली स्पीशीज है उसके बारे में देखते हैं। और मैं इसके बाद में आपको, जैसे ये आपको दिख रही है ये पूरी कंजर्वेशन जो स्टेटस दिख रहा है कि एंडेंजर्ड स्पीशीज क्या होती है,
क्रिटिकली इंडेंजर स्पीसीज क्या होती हैं, एक्सटिंक्ट क्या होती हैं, वेनरेबल क्या होती है, लिस्ट कंसर्न क्या होती है, अभी इन सब का जो डिफरेंस है मैं आपको अच्छे से। फ्रेंड्स अब हम लोग कंजर्वेशन स्टेटस को देख लेते हैं कि IUCN जो है वो अपनी रेड लिस्ट में जानवरों को या एनिमल्स को किन किन कैटेगरी में रखता है। तो आपके पास ये चार्ट है जिसमें आपको ये दिख रहा है कि ऑल स्पीसीज जो है वो टोटल इतने इतने जो कैटेगरी हैं इनमें रखी जाती हैं। तो सबसे एक एक करके बताता हूँ, एकदम पहले हम लोग जो है इंक्रीज करते जाते हैं, यहाँ से आपको आगे तक दिखता जा रहा है। तो ये क्या हो रहा है, इनमें इसकी वैल्यू क्या है, इंक्रीज होते जा रही है। जिसमें हम लोग बात करें कि कोई भी अगर स्पीशीज है अगर उसको हम लोग नॉट एवेल्यूट स्पीशीज में रखते हैं तो उसकी अभी व्याख्या नहीं की जा सकती है। और दूसरे नंबर पर जो हमारी आती है वो डाटा डिफिशियंट की आती है, फिर आती है लिस्ट कंसर्न। तो इसमें जो आगे होते जा रहा है उनका जो खतरे का स्तर है वो बढ़ते जा रहा है, ठीक है, ये आप ध्यान रखना, ठीक है। अभी हम मैं इसको और डिटेल में आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए इसका एक सीक्वेंस बस आप याद रखिए कि नॉट एवेल्यूट से जाता है एक्सटिंक्ट तक, आखिरी जो रहता है एक्सटिंक्ट मतलब एक तरह पूरी तरह से विलुप्त, ठीक है। अभी मैं और इसको अच्छे से आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो ये आपको दिख रहा है IUCN की जो कैटेगरी है, एकदम नीचे से हम लोग आते हैं। नॉट एवेल्यूट का मतलब क्या होता है, नॉट एसेस अगेंस्ट क्राइटेरिया, तो मतलब क्या होता है उसके जो एरिया में है उसके एरिया के अगेंस्ट है, मतलब कि उस एरिया में अभी क्या है इसको एवेल्यूट नहीं किया जा रहा है, इसको व्याख्या नहीं की जा रही है। उसके बाद क्या होता है, डाटा डिफिशियंट मतलब कि उसकी जो वो स्पीशीज जिसका जो है इनसफिशियंट डाटा हमारे पास उपलब्ध है, मतलब कि उसका कोई डाटा है उसका एनालिसिस नहीं हो पा रहा है, इनसफिशियंट डाटा है, ठीक है, वो हमारी डाटा डिफिशियंट में आती है। इसके बाद जो लिस्ट कंसर्न है मतलब कि लो रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन, मतलब कि कम से कम जो है खतरे में है ना, वो हमारी लिस्ट कंसर्न में आ जाती है। उसके बाद जो है नियर थ्रेट ट्रेंड, जो नियर थ्रेट ट्रेंड है मतलब क्या होता है, नियर थ्रेट ट्रेंड का मतलब कि चपेट में है एक तरीके से बोलते हैं उसे, है ना। नियर थ्रेट ट्रेंड का मतलब होता है कि देखिए जैसे कि अगर आप उसमें गूगल ट्रांसलेटर में सर्च करेंगे या गूगल में सर्च करेंगे तो इसका मतलब होता है धमकी, है ना। थ्रेट ट्रेंड मतलब होता है धमकी, यानी कि एक तरीके से ये कह सकते हैं कि वो जो है खत्म होने की कगार में पहुंचने वाला है, ठीक है, मतलब कि एक तरीके से धमकी दे रहा है वो। क्लोज टू क्वालिफाई अमंग द थ्रेटलैंड स्पीसीज, ठीक है, मैं हिंदी में बता रहा हूँ आपको, ये भी इंग्लिश में लिखा है इसको भी देख लेना। इसके बाद जो है बुलेनरेबल, बुलेनरेबल का मतलब होता है चपेट में, मतलब कि खत्म होने के क्या है ये चपेट में है। इसके बाद आता है इंडेंजर्ड, ठीक है, मतलब खतरे में है वो, और क्रिटिकली इंडेंजर्ड मतलब होता है अधिक खतरे में है, बहुत खतरे में है। द क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज फेस एन एक्सट्रीमली हाई रिस्क, मतलब जो एक्सट्रीमली हाई रिस्क में जो है वो जो है इंडेंजर्ड स्पीशीज है, ठीक है। क्रिटिकल इंडेंजर्ड जो है इससे खतरनाक रहता है इंडेंजर्ड से, ठीक है, ये केवल हाई रिस्क था और ये जो है एक्सट्रीमली हाई रिस्क में आ जाती हैं। इसके बाद एक्सटिंक्ट वाइल्ड में हम लोग देखें कि उसके जो जानवर की प्रजाति है या जंगल में है, ये जंगल में क्या हो गई है, विलुप्त हो गई है, उसी को एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड में कहलाते हैं। इसके बाद जो आखिरी हमारा आता है एक्सटिंक्ट, एकदम से विलुप्त यानी कि खत्म ही हो गया, या कह दें कि उसकी जो फैमिली में है, फैमिली में आखिरी मेंबर बचा हुआ है, ठीक है, ये से कह सकते हैं। चलिए तो अब हम लोग IUCN की अगर हम लोग बात ही कर ली है तो IUCN का फुल फॉर्म होता क्या है, IUCN का जो फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स, ठीक है। अब ये इतना इसका फुल फॉर्म ध्यान रखना, फुल फॉर्म भी पूछ लिए जाते हैं कई बार छोटे मोटे एग्जाम में। और इसका जो फाउंड इसकी जो स्थापना की गई थी वो सन 1948 में की गई थी 5 अक्टूबर को, और ये 71 साल पहले लगभग जो है 71 साल पहले की गई थी, ठीक है। और मैं आपको बता दूं ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और इसका फोकस होता है नेचर कंजर्वेशन के लिए, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए, ठीक है। और ये जो अभी वर्तमान में अगर उपस्थित है ये ग्लेंड स्विट्जरलैंड में उपस्थित है, ठीक है। इसका जो एरिया है वर्ल्ड वाइल्ड है और इसमें मेंबर जो है वो 1300 है, ठीक है, 1300 इसके मेंबर है। ओके आप अभी इतना ही ध्यान रखना इसका बारे में, और वेबसाइट में जाके और आपको विकिपीडिया में भी इसको सर्च करके देख सकते हैं। चलिए तो ये तो हमारा जो स्पीशीज है, स्पीशीज को किन किन कैटेगरी में रखे जाते हैं ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप लोग सुनते होंगे कि ये जो मतलब कि ये जो स्पीशीज है इनको ये लिस्ट में रखा गया है, कभी एंडेंजर्ड में रखा गया है, ये वेनरेबल में रखा गया है। तो अब आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग अगला बायोस्फीयर रिजर्व हमारा देखते हैं। फ्रेंड्स अगला बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो हमारा आता है 1988 में बनता है, जिसका नाम है नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है, जो कि पार्ट ऑफ चमोली एक जिला है, कहाँ का, उत्तराखंड का, वो उत्तराखंड डिस्ट्रिक्ट में है। इसके बाद जो पिथौरागढ़ जो है वो भी वहीं पर उत्तराखंड का डिस्ट्रिक्ट है, और भागेश्वर डिस्ट्रिक्ट,
चमोली, पिथौरागढ़ और बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट जो है नंदा देवी वाजपेयी रिजर्व के अंदर आते हैं, है ना। या कह सकते हैं कि इन तीनों डिस्ट्रिक्ट में जो है ये नंदा देवी वाजपेयी रिजर्व फैला हुआ है। ये वेस्टर्न हिमालय साइड है, ठीक है। और इसका जो हम लोग बात करें स्पीसीज के बारे में, तो स्नो लेपर्ड है। स्नो लेपर्ड जैसे आपको ये तेंदुआ जैसा दिख रहा है छोटा, तो ये वेनरेबल IUCN की वेनरेबल स्पीसीज में शामिल है, ठीक है। इसको आप ध्यान रखना, मतलब चपेट में है ये। इसके बाद जो बात करते हैं हमारा जो अगला है वो है एशियन ब्लैक बियर, ठीक है। एशियन ब्लैक बियर जो है इसको वेनरेबल लिस्ट में शामिल किया गया है। और हाँ, इसका जो हमारा बायोनोमिकल नेम है ये भी आप, इसका जो बायोनोमिकल नेम है वो उर्सस थेवेटिनस, ठीक है। तो इसके नाम भी याद रखना थोड़ा सा आपको, क्योंकि बायोलॉजिकल नेम जो है वो अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा जो अगला बायोस्फीयर रिजर्व आता है वो है हमारा 1989 में बना था, जो कि गल्फ ऑफ मन्नार है, यानी कि मन्नार की खाड़ी में। ये आपको दिख रहा है ये हमारा तमिलनाडु का पार्ट है और ये हमारा श्रीलंका है। यहीं पर जो है हमारा गल्फ ऑफ मन्नार है, ठीक है, बंगाल की खाड़ी है। और ये जो बायोस्फीयर रिजर्व है ये एक मरीन है, सामुद्रिक जो है बायोस्फीयर रिजर्व है। ये हमारे इंडिया का एक ही सामुद्रिक बायोस्फीयर रिजर्व है, ठीक है। यहाँ पर जो एक स्पीशीज पाई जाती है उसका नाम है डुगोंग, ठीक है। डुगोंग नाम याद रखना इसका। इसका जो कंजर्वेशन स्टेटस है वो वेनरेबल है, IUCN ने इसको वेनरेबल लिस्ट में शामिल किया गया है। इसका जो साइंटिफिक नेम है या बायोनोमियल नेम जो है वो डगोंग डुगंग है, ठीक है। डगंग जो दो बार नाम बोल दो तो इसका ये बायोनोमिकल नेम हो जाएगा। अगर पूरे वर्ल्ड में ना इसका एरिया देखें तो यहाँ पर जो आपको ये लाल सागर में होता हुआ दिख जाएगा, ये हमारा हिंद महासागर में, और इधर आपको ये जावा, सुमात्रा, इंडोनेशिया साइड, ऑस्ट्रेलिया साइड आपको दिखेगा। तो यहाँ जो है इसकी प्रजाति पाई जाती है। ये IUCN की कौन सी लिस्ट में है? वेनरेबल लिस्ट में, ठीक है। और ये कोस्टल एरिया में आता है, ठीक है। इसका एरिया जो है 10,500 वर्ग स्क्वायर है, ठीक है, इतना ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला जो हमारा आता है फोर्थ नंबर पे वो है नोकरेक, जो कि 1988 में बना था। फ्रेंड्स इसका ये जो है वो गारो हिल्स में है, वेस्ट गारो हिल्स में, जो कि मेघालय में है, ठीक है। मेघालय का ऐसा मैंने आपको बताया था अभी मैप में कि मेघालय कहाँ पर है, तो ये गारो हिल्स के पास में है, ठीक है। और इसको एंडेंजर्ड स्पीशीज में शामिल किया गया है। रेड पांडा यहाँ का जो है एक स्पीशीज है जो कि एंडेंजर्ड स्पीशीज में है, ठीक है। तो इसका नाम याद रखना। और इसका जो बायोनोमियल नेम है वो है एलुरस फुलिगेंस, ठीक है। तो ये नाम आप थोड़ा देखना, अजीब अजीब है। तो ये किस किस एरिया में पाए जाते हैं? चाइना के थोड़ा सा ऊपर वाला एरिया है। तो इसका जो बायोनोमियल नेम है, बायोनोमियल या बायोलॉजिकल नेम बोल दो इसको, जो एलुरस फुलगेंस, ठीक है, ये नाम है, इसका ध्यान रखना। और ये वर्ल्ड में इसकी क्या लोकेशन है, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, ये आपको दिख गया। यहाँ पर फ्लोरा जो है, फ्लोरा भी इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा मैंने इंपॉर्टेंट निकाला है, इसको ध्यान रखना। जो ग्रैंड रसमाला है, और जो वाइट मिरांटी, लाली चैम्पाका और वाइल्ड लेमन जो है आर सम ऑफ द एंडेमिक प्लांट, मतलब कि जो है स्थानिक प्लांट है यहाँ के जो है, ये जो फेमस है यहाँ के, ठीक है। और मैं आपको बता दूँ जो मेनली फेमस है यहाँ के वो वाइट वेजिटेशन है, जो कि सिट्रस प्लांट है, सच है, जैसे कि लेमन हो गया, ऑर्गन लाइम हो गया, ठीक है, जो कि यहाँ के वेजिटेशन के प्रमुख फेमस हैं, ठीक है, कहाँ के? नोकरेक के बायोस्फीयर रिजर्व के। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा आता है सुंदरवन। फ्रेंड्स सुंदरवन जो है सब कुछ है, आप याद रख लीजिए, सब कुछ है ये। फ्रेंड्स ये हमारा जो है एक नेशनल पार्क भी है, ये हमारा जो है रामसर वेटलैंड में भी है, ये हमारा बायोस्फीयर रिजर्व भी है, और सबसे बड़ी बात विश्व के सबसे बड़े मैंग्रोव जो हैं वो भी सुंदरवन में ही पाए जाते हैं, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से ध्यान रखना। और जो सुंदरवन, इसका जो नाम पड़ा है यहाँ पर, जो सुंदरी वृक्ष हैं उस वृक्ष के नाम पर इसका नाम सुंदरवन पड़ा हुआ है। अगर देखें तो ये एक पार्ट ऑफ डेल्टा है, जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी जो है इसी जो सुंदरवन से होते हुए जाती है, और यहीं का इन दोनों नदी का जो है डेल्टा बनता है सुंदरवन में, ठीक है, ध्यान रखना। ये वेस्ट बंगाल में स्थित है और गंगेटिक डेल्टा इसका जो है स्थिति है। और यहाँ पर जो फेमस जो स्पीसीज है वो है रॉयल बंगाल टाइगर, ठीक है, ये आपको इसकी इमेज देख सकते हैं। इसको भी एंडेंजर्ड स्पीसीज में शामिल किया गया है, ठीक है, तो आप ध्यान रखना। और अगर इसका साइंटिफिक नेम देखें तो वही पेंथेरा टिग्रस जो है इसका साइंटिफिक नेम है। ऑल ओवर इंडिया में अगर हम लोग देखें, जो आपको लाल लाल वाले से दिख रहा है, यहाँ पर जो है बंगाल टाइगर पाए जाते हैं। ओके, अगर हम लोग फ्लोरा की बात करें तो वर्ल्ड के जो है लार्जेस्ट मैंग्रोव जो है वो यहीं पर पाए जाते हैं, जो कि यहाँ के स्थानिक है। और अगर हम लोग इसकी कुछ स्पीशीज की बात करें जो यहाँ की एंडेमिक है, स्थानिक है, वो है गर्जन, गेवा, गोरन,
केओरा और सुंदरी ट्री, ठीक है। और ये सुंदरी ट्री के कारण ही क्या कहा जाता है, इसको सुंदरवन कहा जाता है, ये मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। और फ्रेंड्स एक करेंट इवेंट और याद रखना, इसको 30 जनवरी 2019 को रामसर वेटलैंड में शामिल किया गया है। वेटलैंड मतलब क्या होता है, दलदल होता है एक तरीके से, और हिंदी में अगर शुद्ध हिंदी में बोलो तो आर्द्र भूमि होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हमारा आता है मानस नेशनल पार्क, ठीक है। ये पार्ट ऑफ खोखराझार और बोंगागुई और बरपेता, नलबारी, कुरुम्प, कामरूप एंड दरंग डिस्ट्रिक्ट, मतलब ये जो डिस्ट्रिक्ट है ना, इतने एरियों में ये पाया जाता है। ये असम में है, ईस्टर्न हिल से इसका। और अगर हम लोग बात करें इनकी स्पीशीज के बारे में, तो एशियन जो एलिफेंट है यहाँ की जो है एंडेंजर स्पीशीज में शामिल किया गया है, जो कि मानस बायोस्फीयर रिजर्व में पाए जाते हैं। मानस वहाँ का एक नेशनल पार्क भी है, ठीक है, ये भी आप ध्यान रखना। तो अगर ये मानस बायोस्फीयर रिजर्व का एंडेंजर स्पीशीज है, तो वहाँ का नेशनल पार्क का भी एंडेंजर स्पीशीज होगा। तो थोड़ा सा लॉजिक लगा के अगर ऐसा क्वेश्चन भी आ गया तो आप लगा सकते हो, ठीक है। ये कौन सी स्पीशीज में शामिल किया गया है, इसे एंडेंजर्ड स्पीशीज में शामिल किया गया है, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो अगला जो हमारा आता है वो है हेस्पिड हेयर, हेस्पिड हेयर, ठीक है, एच ए आर ई, तो हेयर ही होगा ना, ओके। तो ये थोड़ा सा चूहे जैसा दिखता है, इसका कंजर्वेशन स्टेटस है एंडेंजर्ड, एंडेंजर्ड है। और इसका का साइंटिफिक बायोनोमिकल नेम देखें हम लोग तो कैप्रोलोगस हिस्पीडियस, ठीक है। और अगला जो हमारा स्पीशीज है वो है असम रूफ्ड टर्टल, जो कि इसका कंजर्वेशन स्टेटस है एंडेंजर्ड, IUCN की एंडेंजर्ड स्पीशीज में शामिल है। और पेंगशुरा सेंथिसिस जो है इसका बायोलॉजिकल नेम है। इसके बाद हमारा आता है गी गोल्डन लंगूर, जो कि एंडेंजर्ड स्पीशीज में है, जिसका साइंटिफिक नेम है ट्रैकपेटिकस गेई, ठीक है, नाम याद रख लेना आप लोग, ठीक है। इसको एक बार एक लिख देना तो आपको आसानी से ये स्पीशीज याद भी हो जाएंगी, और एग्जाम में पूछे जाते हैं फ्रेंड्स, तो इसको ध्यान से इसको याद कर ही लेना आप जैसे तैसे करके, है ना। चलिए अगला जो हमारा आता है वो आता है सिमलीपाल, जो कि 1994 में बना था। ये पार्ट ऑफ मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट, यानी कि मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट जो कि उड़ीसा में स्थित है, वहाँ का पार्ट है, ठीक है। ये डेक्कन पेनिनसुला में आता है। और अगर हम लोग बात करें यहाँ का जो है बंगाल टाइगर, जो कि मैं बता ही चुका हूँ, ठीक है, इसको भी एंडेंजर स्पीसीज में शामिल किया गया है। इसके बाद जो है एशियन एलिफेंट, ये भी मैं आपको पहले बता दिया हूँ, इसको भी एंडेंजर स्पीसीज में शामिल किया गया है। और अगर हम लोग फ्लोरा की बात करें तो यहाँ पर जो है ट्रॉपिक मोइस्ट, यानी कि उसने पर्णपाती जो बन है वो यहाँ के लिए फेमस है, ठीक है। और ख़ास करके जो ऑर्चिड है, ऑर्चिड मतलब फ्लावर, यहाँ के फ्लावर जो है वो फेमस है, ठीक है, आप ध्यान रखना। इसके बाद बात करें जो मेनली 96 स्पीशीज हैं जो कि फ्लावर हैं, यहाँ पर पाए गए हैं, ठीक है, फ्लावर के रूप में ऑर्चिड हैं। ऑर्चिड मतलब होता है एक तरह का फूल होता है, ठीक है, आप ध्यान रखना, ऑर्चिड होता है फूल। इसकी जो है 96 स्पीशीज जो है यहाँ पर पाई गई हैं, ठीक है, आप ध्यान रखना। और बात करें कुछ वेजिटेशन के बारे में, यानी कि यहाँ की जो कुछ वनस्पति हैं, तो इक्यूलिप्टस और लार्ज ग्रासलैंड, ठीक है, तो ये जो है यहाँ पर इंक्लूड की गई है इनकी स्पीशीज में वेजिटेशन के पर्पस से, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली देखते हैं हम लोग फ्रेंड्स। अगला जो है हमारा आता है आठवें नंबर पे, 1998 में जो इस्टेब्लिश हुआ था दिहांग दिवांग, ठीक है, ये ट्रिब्यूटरी है, मैंने आपको बताया था, ब्रह्मपुत्र नदी की और पार्ट ऑफ दिवांग वैली और सियांग, ठीक है, इतना ध्यान रखना, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। ये ईस्ट हिमालय वाला जो है इसका एरिया आता है। और अगर हम लोग इसकी स्पीशीज की बात करें तो वो गौर है, जो कि जिसका कंजर्वेशन स्टेटस है वेनरेबल, और आप इसको पूरे ऑल ओवर इंडिया में देख सकते हैं। ये म्यांमार में भी आपको देखने को मिलेगा हमारा ये इधर वाला एरिया, और यहाँ पर ये नीलगिरी पहाड़ जहाँ पर मैंने आपको बताया था, और आपको पूरा जो ईस्ट एशिया है वहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगा, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा आता है नवे नंबर का, 1999 ये बना है पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, जो कि MP में स्थित है। तो ये कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट में आता है, ये बैतूल डिस्ट्रिक्ट में आता है, होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट और छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट, ये तीनों डिस्ट्रिक्ट याद रखना, बैतूल, होशंगाबाद और छिंदवाड़ा, ठीक है, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, और ये सेमी अरिड है। अगर इसका हम लोग स्पीशीज की बात करें तो ओरिएंटल जेंट स्क्वेरल, मतलब कि एक तरीके से जो यहाँ की गिलहरी है उसको जो है एंडेंजर्ड स्पीशीज में शामिल किया गया है। और इसका अगर बायोलॉजिकल नेम देखें हम लोग तो क्या नेम है इसका, रातुफा इंडिका, ठीक है, रातुफा इंडिका, इसका नाम याद रखना, रातुफा इंडिका, ओके, इसका नाम सिंपल है, ठीक है, ये आ जाएगा। इसके बाद फ्लाइंग स्क्विरियल, मतलब कि फ्लाइंग उड़ती उड़ती नहीं है ना, वो पेड़ों पर ज़्यादा अच्छे से चढ़ लेती है, ठीक है, तो फ्लाइंग स्क्विरियल,
मतलब कि जो पचमढ़ी है, पचमढ़ी में जो है स्क्यूरेली फेमस है ना, यहाँ की जो गिलहरी है इसका नाम क्या है, ग्लाइकोमाइसिस सेवरिनस, ठीक है, ग्लाइकोमाइसिस माइस सेवरिनस। हम लोग बात करते हैं टू कमर्शियल ट्रीज हैं, मतलब कि जो आर्थिक रूप से उनको फ़ायदा ले पहुँचाते हैं, वो है साल और टीक, ठीक है, जो कि इनकी जो प्रचुरता है यहाँ पर पाई जाती है, एबिडेंस मतलब होता है प्रचुर मात्रा में, ठीक है। और इनकी जो स्थानीय फ्लोरा है उनमें से आता है वाइल्ड मैंगो, जामुन, सिल्वर फर्न और अर्जुन, ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला आ रहा है हमारा 10वें नंबर का, जो कि 2005 में बना था, अचानक मार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। ये अनूपपुर और डिंडोरी डिस्ट्रिक्ट का हिस्सा है, बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट जो है छत्तीसगढ़ का है। इसके बाद ये किस में आता है, ये मेकाला हिल्स में आता है, ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखना। इसके बारे में इसकी जो फ्लोरा है, फ्लोरा जो है इसमें पाइन, जूनिपर, केदर और साइप्रस कैन बी फाउंड हेयर, मतलब कि ये जो है ये वाली फोना जो है, फ्लोरा जो है वो यहाँ पर पाई जाती हैं। सम स्पीसीज ऑफ पाइन आर केदार आर एंडेमिक ऑफ द एंडेमिक टू द रिजर्व, ठीक है, तो जो यहाँ की स्थानिक है, ठीक है, पाइन और जो केदार है ये यहाँ की स्थानिक फसलें हैं। तो इसकी पहली स्पीसीज है हमारी फोर हॉर्न एंटेलोप, ठीक है, ये वेनरेबल स्टेटस है इसका, और इसका बायोनोमिनल नेम क्या है, टेट्रासीरस क्वाडिकोमिक्स, ठीक है, क्वाड्रिकोमिस। तो ये आपको पूरे इंडिया में दिखेंगी, ठीक है, लगभग आपको ये मैप में देख सकते हैं। इसके बाद जो अगला हमारा आता है वो है सेरस केरेन, इसका बायोनोमिकल नेम क्या है, एंटीगोन एंटीगोन, ठीक है, ये आसानी से याद हो जाएगा, कंजर्वेशन स्टेटस वेनरेबल, ओके। अगला जो हमारा आता है वो वाइट रम्पर्ट वल्चर, मतलब कि जो गिद्ध है ना, गिद्ध को हमको वल्चर कहते हैं, ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, इसको तो आप याद ही कर लेना, 100% इसके क्वेश्चन जो आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। अभी तक हमने एंडेंजर तक देखा है, क्रिटिकली एंडेंजर तक नहीं देखा है, सिर्फ बायोस्फीयर रिजर्व में, ठीक है, तो क्रिटिकली एंडेंजर्ड में है वाइट रम्पर्ट वल्चर, ओके। तो इसका जो बायोनोमिकल नेम है इसको भी अच्छे से याद रख दीजिए, जिप्स बेंगोलिस बेंगोलेंसिस, ठीक है, जिप्स बेंगोल लेंसिस, ठीक है, नाम याद रखना आप इसका, ओके, आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक और है, ये जंगली डोग, इसको वाइल्ड डोग इसको हम लोग बोलते हैं, उसूरी डोल, इसका कंजर्वेशन स्टेटस क्या है, एंडेंजर्ड है, ओके। चलिए अगला हमारा आता है 2008 में बना था, ग्रेट रन ऑफ कच्छ, जैसे कि गुजरात का आपका ये वाला हिस्सा दिख रहा है ना, ये पूरा ग्रेट रन ऑफ कच्छ में आता है, ये एक डिजर्ट टाइप का है, ठीक है। इसमें जो कौन कौन से ज़िले हैं, हमारा पार्ट ऑफ कच्छ है, मोरबी है, सुरेंद्रनगर और पाटन डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, ये तीनों आते हैं, और ये इंडिया का लार्जेस्ट जो है बायोस्फीयर रिजर्व है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए लार्जेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है, तो वो है रन ऑफ कच्छ, ठीक है। यहाँ पर एक जो फेमस है वो है वाइल्ड इंडियन वाइल्ड एज, मतलब कि जंगली गधा, ठीक है, इसका जो स्टेटस है वो है नॉट थ्रेटेंड का स्टेटस है, और इसका जो बायोनोमिकल नेम है या थ्रिनोमियल ने जो नेम है इसका वो है इक्वस हेमियोनोस। तो अगला अब हमारा आता है 2009 में बना था कोल्ड डिजर्ट, जो कि पिन वैली नेशनल पार्क में, मतलब के सराउंडिंग में है। इसके बाद इसके कौन कौन से चीज़ आती हैं इसमें, चंद्रताल और सरचू और कीवर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इसके अंदर आती हैं, ठीक है। इसके बाद ये हिमाचल प्रदेश में, जैसा कि बता दिया आपको मैंने पहले ही, वेस्टर्न हिमालय, और यहाँ का जो फेमस है स्नो लेपर्ड, हम लोग जो है नोक्रेक नेशनल पार्क में भी पढ़ चुके हैं, जो कि मेघालय में है, ओके। इसके बाद 2000 में बना था कंचनजंगा, जो कि पार्ट ऑफ कंचनजंगा है, जो कि एक नेशनल पार्क भी है और सबसे हाईएस्ट पीक भी है हमारी, ठीक है, सिक्किम में है, और ये ईस्ट हिमालय में है। स्नो लेपर्ड और रेड पांडा हम लोग पढ़ चुके हैं, ये दोनों नोक्रेक नेशनल पार्क में, नेशनल बायोस्फीयर रिजर्व में मिलते हैं, ठीक है, ओके। चलिए अगला जो आता है 2001 में बना था अगस्तमलय बायोस्फीयर रिजर्व, ये नयार पापेरा और सेंडूनरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और देयर एडजॉइंग एरियाज, मतलब उससे जुड़े हुए कुछ एरिया, ओके। तो ये केरला और तमिलनाडु दोनों के बीच में है, बीच में मैंने आपको मैप में दिखाया था, वेस्टर्न घाट है ये, नीलगिरी थार जो कि नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में भी मिलती हैं, और एलिफेंट, ठीक है, इन सबको मैंने बता चुका हूँ, वही है ना। उसके बाद जो आता है 1989 में हमारा ग्रेट निकोबार, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह का हिस्सा है, सबसे नीचे वाला जो हिस्सा है वो ये सदर्न मोस्ट आइलैंड है अंडमान निकोबार द्वीप समूह का। इसके बाद अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है, ये आइलैंड इसका जो टाइप है आइलैंड है, इसमें सोल्ट वाटर जो क्रोकोडाइल है वो यहाँ के लिए एंडेंजर्ड स्पीशीज में शामिल है। अभी हम लोग डायग्राम देख लेंगे, यहाँ का फ्लोरा स्क्रीन पाइन, निपिल पाम, साइलम आयरन वुड, ठीक है,
तो इनकी प्रचुरता यहाँ पर पाई जाती है। यहाँ का जो स्पीसीज है फेमस, जैसे कि आप आइलैंड देख सकते हैं, यहाँ पर है ग्रेट नकोबार। यहाँ की जो स्पीसीज है सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, मगरमच्छ, जो कि लिस्ट कंसर्न में है, मतलब कि कम से कम खतरे में है। और इसका जो एरिया है आपको ये दिख सकता है, पूरा ऑस्ट्रेलिया से लेके यहाँ पर हमारा पूरा ईस्ट एशिया तक एरिया इसका फैला हुआ है। इसको बायोनॉमिकल नेम आप याद रखना, क्रोकोडाइलिस प्रोसेस, ठीक है, ये इसका बायोलॉजिकल नेम है। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा आता है 1997 में जो बना था डिब्रू सैखोवा, मतलब खोवा अपन को क्या लगा था, ऑसम लगा था ना, तो ऑसम में था और ये पार्ट ऑफ डिब्रूगढ़ और तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट, मतलब डिब्रूगढ़ और तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट में ये स्थित है, ठीक है, ईस्टर्न हिल से ही है। और यहाँ पे जो फेमस है वो वाइल्ड वाइट विग्नेट डक, ठीक है, जो इंडेंजर्ड स्पीशीज में शामिल है। इसका बायोनॉमिकल नेम क्या है, इसका बायोनॉमिकल नेम है असार कॉर्निस स्क्यूटुलाटा। थोड़ा है प्रोनाउंसिएशन का प्रॉब्लम तो होता ही है, ठीक है, इसको देख लेना आप लोग, ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, हमारे पूरे ईस्ट एशिया में भी पाए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है हमारा ब्लैक ब्रेस्टेड पोर्टबिल, ठीक है, पोर्टबिल, ये वेनरेबल स्टेटस में इसको शामिल किया गया है। इसके बाद आता है कैपेट लंगूर, ठीक है, और ये भी हमारा का है, ये बांग्लादेश और पूरा ईस्ट भारत है हमारा इंडिया उसमें पाया जाता है, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा आता है 2010 जिसका सेशेचलम हिल्स, इसका मतलब बायोस्फीयर जो नाम है ये सेशेचलम हिल्स में है, जो कवर करता है वो चित्तूर और कडप्पा डिस्ट्रिक्ट जो है इसके कवर करते हैं आंध्र प्रदेश में, ठीक है, ईस्टर्न घाट है ये। और यहाँ का जो है फेमस स्पीशीज वो है स्लेंडर लॉरिस, ठीक है, इसका बायोलॉजिकल नेम आपको ये यहाँ पर दिख रहा है लॉरिस लेडकेरिनस, ठीक है, याद रखना है इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा आता है पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व, जो कि 2011 में बना था, ठीक है, पार्ट ऑफ पन्ना डिस्ट्रिक्ट और छतरपुर डिस्ट्रिक्ट, छतरपुर और पन्ना डिस्ट्रिक्ट दोनों में ये आता है, मध्य प्रदेश में है। और ये कौन सा है इसका एरिया लगता है, ये कैचकम एरिया ऑफ द केन रिवर, केन रिवर है उसका जो है एरिया पड़ता है आपको। टाइगर में आपको पढ़ाई चुका हूँ, चितल जो है ये आपको ये दिख रहा है, हिरन जैसा है, ठीक है, ये लिस्ट कंसर्न में शामिल है। उसका बायोनॉमिकल नेम क्या है, एक्सिस, ठीक है। इसके बाद चिंकारा जो इसकी अलग स्पीसीज है जो कि लिस्ट कंसर्न में है, इसको ध्यान रखना। सांबर स्पीसीज जो कि हमारे पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व में पाई जाती है, इसको वल्नरेबल स्टेटस में शामिल किया गया है। तो फ्रेंड्स अब हम लोग पढ़ते हैं, अब हम लोग देख लेते हैं कि ये यूनेस्को की वर्ल्ड नेटवर्क जो साइट है उसमें मैप लिस्ट में किस कौन कौन से शामिल है। ये टोटल जो है 11 बायोस्फीयर रिजर्व हमारे शामिल हैं, आप इसको देख लीजिएगा, चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो इसको आप याद रख लेना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनके जो मैंने अभी पीछे बैकग्राउंड में आपको अच्छे से बताया है वो भी आप अच्छे से याद रखना, इनकी स्पीशीज वगैरह, तो आपको ये 100% क्वेश्चन अच्छे से बन जाएंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग एंड करते हैं, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा और नहीं अच्छी लगी हो तो डिसलाइक करने का पूरा हक है। तो मिलते हैं जब तक कि अगली वीडियो में।